2022 एंड ब्रेजा 2022। अभी मुझे पता है कि ब्रेजा को ऑफिशियली अभी भी लॉन्च नहीं किया है मारुति ने, बट फिर भी 80% इसके जो लीक्स है वो ऑलरेडी आ चुके। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मैं दोनों ही गाड़ियों को यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ और इनमें से आपके लिए कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगी इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक बार जब ब्रेजा लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं पूरा एक डिटेल में कंपेरिजन लाऊंगा जिसके अंदर मैं सभी एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो अभी के लिए चलिए दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही कार्स के एक्सटीरियर से। अभी एक्सटीरियर वाइज आपको डायमेंशन दोनों के सेम देखने को मिलेंगे, सब 4 मीटर की लेंथ होगी और यहाँ पर ना साइज के हिसाब से आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्पेस के बारे में बात करो तो पीछे के साइड में आपको स्पेस जो है वो आपको ब्रेजा में ज्यादा देखने को मिलेगी कम्पेयर टू दी वेन्यू। और अगर मैं बात करूँ लुक्स के बारे में तो लुक वाइज वेन्यू ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, देखने के हिसाब से इसका फेसलिफ्ट जो है वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस गाड़ी के अंदर आपको नए ग्रिल्स मिलते हैं, नए आपको हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे, नए आपको टेल लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके लुक्स को बहुत ही ज्यादा आकर्षक बना देता है। अभी ब्रेजा के जो लुक्स है वो भी लीक आउट हो चुके हैं, देखने के हिसाब से ये भी गाड़ी काफी ज्यादा आकर्षक लग रही है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको नए ग्रिल्स मिलते हैं, नए आपको हेडलाइट्स मिलेंगे, इवन पीछे के साइड में भी आपको नए टेल लैंप्स और थोड़े बहुत जो है आपको एक्सटीरियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इवन जो इंटीरियर है वो आपको कम्प्लीटली न्यू मिलता है न्यू ब्रेजा के अंदर। तो लुक वाइज मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है आप जरूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करो तो बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी होने वाली है। वेन्यू के अंदर आपको शीट मेटल क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है, बट फिर भी क्रैशेस रेटिंग के अंदर ह्यूंडई की जो न्यू कार्स है ना वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी मैं इतना ही चाहूँगा कि वेन्यू जो है वो अच्छी खासी स्कोर कर दे ग्लोबल एनकैप के अंदर, लेकिन फिर भी एक्चुअल टेस्ट होने के बाद ही हमें इसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा। ब्रेजा के बारे में बात करो तो नई जो ब्रेजा होने वाली है तो उसको आपने पुराने प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जाएगा, यानी कि ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म। तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपको पुरानी ब्रेजा जैसी देखने को मिलने वाली है एंड ऑलरेडी ओल्डर ब्रेजा काफी ज्यादा मजबूत कार है। एंड ग्लोबल एनकैप के अंदर भी इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, 4 स्टार की रेटिंग ये ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ कि न्यू जो ब्रेजा होगी वो भी ग्लोबल एनकैप के अंदर मिनिमम 4 स्टार की रेटिंग स्कोर कर लेगी। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंजन की तो ब्रेजा के अंदर आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर वाला ड्यूअल जेट के सीरीज पेट्रोल इंजन। तो ये दोस्तों नया इंजन होने वाला है जिसके अंदर आपको ड्यूअल जेट वाली टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो मार्जिनली थोड़ा बहुत आपको पावर ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ ब्रेजा और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और फ्यूचर में शायद इसके अंदर CNG भी आ सकता है। वही अगर मैं बात करूँ वेन्यू की तो वेन्यू के अंदर जो है आपको टोटली 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसको मैं उतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इतने बड़े साइज वाली गाड़ी के लिए ये इंजन जो है वो काफी ज्यादा अंडर पावर्ड फील होता है। इसके अलावा आपको 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसके अंदर आपको काफी अच्छा खासा टॉर्क एंड पावर मिलने वाला है। तो ये इंजन दोस्तों बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है और साथ में जो है आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा वेन्यू के अंदर जो कि ब्रेजा के अंदर कम्प्लीटली मिसिंग है। तो अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली आप आग बंद करके जो है ब्रेजा को उठा सकते हो। बाकी टर्बो और डीजल का जो ऑप्शन है वो आपको केवल वेन्यू के अंदर ही देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हो ब्रेजा से। बाकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी आपको ब्रेजा के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी एंड इवन रिफाइनमेंट के हिसाब से भी ब्रेजा का इंजन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है कम्पेयर टू दी वेन्यू। बाकी अगर मैं बात करूँ गियरबॉक्स के बारे में तो ब्रेजा के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और साथ में आपको 6 स्पीड वाला जो है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी देखने को मिलेगा। वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू के अंदर आपको सबसे पहले 6 स्पीड वाला मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको 6 स्पीड वाला IMT गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा और अंत में आपको 7 स्पीड वाला DCT जो गियरबॉक्स है वो भी आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि ब्रेजा के ऑटोमेटिक से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल फीचर्स जैसे कि कंप्लीट LED सेटअप के साथ आपको हेडलाइट्स मिलेंगे, क्लाइमेट कंट्रोल ACs, रियर AC वेंट्स, SOS वाला फीचर, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारे जो फीचर्स है वो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। लेकिन एडिशनली ब्रेजा के अंदर आपको कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको नया HUD वाला डिस्प्ले मिलेगा, साथ में आपको नया टचस्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वॉइस कंट्रोल फीचर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और साथ में इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री वाला कैमरा आता है जो कि किसी भी कॉम्पैक्ट SUV के अंदर आपको करेंटली देखने को नहीं मिलता। और इस बार दोस्तों आपको ब्रेजा के अंदर भी जो है सनरूफ को ऑफर किया जाएगा और वेन्यू के अंदर भी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेजा के अंदर मिसिंग है, जैसे कि आपको वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी के अंदर मिलता है, साथ में आपको एयर प्योरीफायर मिलेगा, इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको काफी एडवांस मिलता है कम्पेयर टू दी ब्रेजा।
और साथ में पीछे के रो के जो सीट्स है ना उसके अंदर आपको टू स्टेप रिक्लाइनिंग एंगल मिलता है जो कि अभी के लिए वेन्यू के सेगमेंट में सेगमेंट फर्स्ट फीचर होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो दोनों ही कार्स की जो प्राइस है वो काफ़ी अलग है। अगर आप टॉप वेरिएंट देखते हो तो वेन्यू का जो टॉप वेरिएंट है वो आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा कम्पेयर टू दी ब्रेजा। तो वेन्यू का जो 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल DCT वाला जो वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो है अराउंड 12,72,000 रुपीज एक शुरू। वही ब्रेजा का जो टॉप वेरिएंट होने वाला है उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है अराउंड 12.3 लाख रुपीज एक शुरू। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेस वेरिएंट की तो वेन्यू का जो बेस वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो है 7.53 लाख एक शोरूम। वही अगर मैं बात करूँ अपकमिंग ब्रेजा के बेस वेरिएंट की तो उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है अराउंड 8.2 लाख रुपीज एक शोरूम। लेकिन यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप बेस वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो तो आग बंद करके जो है आप ब्रेजा के ऊपर जा सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि वेन्यू के 1.2 लीटर वाले इंजन से काफी ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर आपको ज्यादा पावर मिलती है एंड इस साइज के गाड़ी के लिए ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। वेन्यू का जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो आपको थोड़ा बहुत अंडर पावर्ड लग सकता है। बाकी टर्बो और डीजल का जो ऑप्शन है वो आपको केवल वेन्यू के अंदर मिलेगा, ब्रेजा के अंदर वो ऑप्शंस नहीं आते। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादातर सिटीज में या फिर हिली रीजन्स में है तो आप डेफिनेटली ब्रेजा के ऊपर जा सकते हो बिकॉज 1.5 लीटर वाला इंजन मिलता है जिसके अंदर आपको कोई भी टर्बो लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता और हिली रीजन्स और सिटीज के लिए ब्रेजा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी हाईवेज में अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है तो आग बंद करके आप वेन्यू के ऊपर जा सकते हो। वेन्यू का जो 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील होता है और हाईवेज में दोस्तों ये इंजन बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है। बाकी डीजल का ऑप्शन आपको केवल वेन्यू के अंदर मिलता है तो डीजल अगर आपको लेनी है तो वेन्यू के ऊपर आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटा सा कंपैरिजन है जो कि मैंने आपके रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया था। बाकी जब ब्रेजा लॉन्च हो जाएगी तब मैं पूरा डिटेल में जो है इसके रिगार्डिंग कंपैरिजन लाऊंगा। तो अगर आपको देखना है तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।